हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि BS6 एंड BS4 अम्ब्रेला इंजन के पिस्टन के रिंग का पोजीशन किधर होना चाहिए एंड इस रिंग को कैसे पहनाया जाता है और इसका पोजीशन क्या होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि पिस्टन के न्यू रिंग हमारे पास अवेलेबल है, ये टॉप रिंग है दोस्तों। एंड इसके बाद पिस्टन का सेकंड रिंग है जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। देन ये पिस्टन का ऑयल रिंग है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम टॉप रिंग की। तो टॉप रिंग का जो पोजीशन है, रिंग के ऊपर टॉप लिखा रहता है, वो टॉप पोजीशन पिस्टन के ऊपरी हिस्से में रहेगा। ये जो टॉप पोजीशन है ना, ये फर्स्ट एंड सेकंड के पिस्टन के ऊपरी हिस्से में रहेगा। देन ये ऑयल रिंग है, इसके अंदर एक स्प्रिंग है दोस्तों जो दिख रहा है वीडियो के अंदर, उसमें एक ग्रीन कलर का मार्कर रहता है, देखिए दोस्तों, है ना। कोई कंपलसरी नहीं है ग्रीन ही रहे, रेड येलो ब्लैक कुछ भी रह सकता है, इसमें ग्रीन दिया है। तो इसको पहनाने का लॉजिक ये है कि सबसे पहले जो है स्प्रिंग को पहनाएंगे और स्प्रिंग के बाद हम ऑयल रिंग को पहनाएंगे। ऑयल रिंग को पहनाने के बाद इसका मेन लॉजिक ये है दोस्तों कि जो मैंने ग्रीन कलर का मार्का दिखाया था वो पिस्टन रिंग के कट के साइड रहेगा, वो पिस्टन रिंग के कट के साइड रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर का मार्का है ना, ये पिस्टन रिंग के कट के साइड है। देन अब हम इसमें सेकेंड रिंग पहनाएंगे, इसका टॉप पोजिशन ऊपर की तरफ रहेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इसका टॉप पोजिशन ऊपर की ओर रहेगा। ये देखिए दोस्तों, हम इसके सेकेंड रिंग को पहना रहे हैं, ये हमने इसके सेकेंड रिंग को पहना दिया है, है ना। सेकेंड रिंग हल्का ब्लैक कलर का रहेगा और जो सबसे फर्स्ट रिंग रहेगा वो हल्का स्टील टाइप से रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका टॉप है, टॉप रिंग है, सबसे फर्स्ट रिंग जिसको बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखिए इसका टॉप पोजीशन भी ऊपर के साइड है, तो हमने टॉप रिंग को भी पहना दिया है। और दोस्तों, इस तरीके से हमने पिस्टन के रिंग को तो पहना दिया, पिस्टन के रिंग के पोजीशन को किधर रखना है और पिस्टन के कनेक्टिंग का पोजीशन क्या रहेगा ये मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इसके कैप को निकाल लिया है, देन इसके गजन पिन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं हम। ये पिस्टन, ये नॉर्मली है, सारे पिस्टन में ऐसे डालना रहता है। देन पिस्टन रिंग के ऊपर भी थोड़ा ऑयल डाल लेना चाहिए, डालना ही चाहिए ताकि फ्रिक्शन ना रहे। देन अब मैं आपके पोजीशन को बताने वाला हूँ कि ऑयल रिंग का जो पोजीशन है, सबसे पहले कनेक्टिंग के साइड वाले में रहेगा, साइड की तरफ रहेगा ऑयल रिंग का पोजीशन। ये देखिए, कनेक्टिंग के साइड की तरफ रहेगा। देन सेकेंड रिंग रहे, जो पिस्टन का सेकेंड रिंग है वो गजन पिन के बगल में अपोजिट साइड में रहेगा, ऑयल से थोड़ा दूर, ऑयल रिंग से थोड़ा दूर। ये देखिए दोस्तों, ये सेकेंड रिंग का है। देन अब हम फर्स्ट रिंग की बात करें तो फर्स्ट रिंग का पोजीशन इस पोजीशन में रहेगा, गजन पिन के इस साइड में। देखिए वो सेकेंड रिंग उधर था और फर्स्ट रिंग इधर है और ऑयल रिंग इधर है दोस्तों। तो ये लॉजिक है पिस्टन रिंग को पहनाने का, इस ये मेन फॉर्मूला है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम पिस्टन को अंदर, मतलब सिलेंडर ब्लॉक में इसको डालेंगे दोस्तों। और इस बात का ख्याल रहे कि सिलेंडर ब्लॉक में डालते वक्त पिस्टन रिंग घूमना नहीं चाहिए दोस्तों। ये हमने पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक में डाल दिया है। देन अब हम इसके रिंग क्लिप को लेकर के पिस्टन के अंदर रिंग क्लिप को पहनाएंगे। और रिंग क्लिप को पहनाते वक्त भी बहुत सारे लोग, मतलब, पिस्टन के रिंग को घुमा देते हैं। पिस्टन के रिंग को घूमने नहीं देना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इसको एकदम ईजिली आराम से पिस्टन के रिंग क्लिप को पहना करके उसको टाइट कर देना है ताकि सारा रिंग टाइट हो जाए ईजिली। और टाइट होने के बाद थोड़ा सा पिस्टन के रिंग को, मतलब उसके क्लिप को थोड़ा सा हल्का किसी चीज़ से ठोक लेना ताकि रिंग बैठ जाए प्रॉपर तरीके से पिस्टन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये इजिली बैठ गया है, पिस्टन रिंग क्लिप टाइट हो चुका है। देन हमको जो, देखिए ये जो बेट है हमारा प्लास्टिक का है, हमको किसी लकड़ी या प्लास्टिक के बेट से पिस्टन को ठोकना है, ना कि लोहे से। अगर लोहे से ठोकेंगे तो पिस्टन के अंदर स्क्रैचेस आ जाएंगे। आपने पिस्टन के कनेक्टिंग का भी पोजिशन देख लिया एंड पिस्टन के रिंग का भी पोजिशन हमने आपको दिखा दिया। ये देखिए दोस्तों, पिस्टन हमने क्रैंक शाफ्ट के अंदर डाल दिया है। एंड इसी तरीके से हम ये कैप लगाएंगे। कैप लगाने का जो लॉजिक है, वो जो कैप का ब्लॉक रहता है, इसको मक्खी बोलते हैं हम लोकन भाषा में, बट कैप का कट साइड रहेगा, दोनों कैप के जो कट साइड रहेंगे बियरिंग के, वो दोनों एक ही साइड पर रहेंगे, ये इसका लॉजिक है दोस्तों। इस तरीके से हमने इस कैप को लगा लिया है दोस्तों। देन अब हम इसमें जो है सारे पिस्टन को हमने बैठा लिया है,
मैंने आपको पिस्टन दिखाया, सारा पिस्टन सेम एज इट इज़ इसी तरह बैठेगा। देखिए मैंने सारे पिस्टन को बैठा लिया है, सारा पिस्टन एज इट इज़ इसी तरीके से बैठेगा। अब इसमें टॉर्क मारेंगे 80, 85 और 90 का टॉर्क मारेंगे। फर्स्ट 80 का मारेंगे, देन 85 का मारेंगे और फिर 90 का टॉर्क मारेंगे न्यूटन मीटर। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये रिंग का पोजीशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।